जय श्री कृष्णा। देखिए आज का मुख्य तथ्य क्या है, कर्म रूपी धन। किसी ने मुझसे प्रश्न किया है कि कर्म रूपी धन क्या होता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम आजीवन, जितना भी हमारा जीवन काल होता है, हम धन एकत्रित करने में उसे व्यतीत कर देते हैं, धन कमाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और एकत्रित भी करते हैं। परंतु जीवन काल संपूर्ण होने के पश्चात, अर्थात जब हमारी मृत्यु आती है, तो लोग क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति का निधन हो गया। निधन अर्थात निधन, जिसके पास धन नहीं है। इस बात के मूल तत्व को समझने का प्रयास कीजिए। आजीवन हम धन एकत्रित करते हैं, परंतु मरने के पश्चात हर व्यक्ति को यही कहा जाता है कि उस व्यक्ति का निधन हो गया, अर्थात वह बिना धन के ही चला गया। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मरने के पश्चात आपको कोई भी यूं ना कहे कि उस व्यक्ति का निधन हो गया, तो उसके लिए आपको कर्म रूपी धन कमाने की आवश्यकता है। क्योंकि मरने पर हम अपने साथ धन नहीं लेकर जाएंगे, परंतु कर्म रूपी धन ही हमारे साथ जाएगा। हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो भी होगा, उसी का भुगतान हमें करना होगा। इसीलिए कर्मों को धन से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। जब कर्म अच्छे होंगे, वही हमारे साथ जाएंगे, वही निश्चित करेंगे कि हम अगले जन्म में क्या होंगे या हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए हो सके तो अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। जय श्री कृष्ण।